नमस्ते, मैं ऋषिका सिंह चंदेल। मैं बिहार से हूँ लेकिन मुंबई रहती हूँ। आप सभी तो जानते ही हैं कि हमारे 18वें लोकसभा चुनाव का शुभारंभ 19 अप्रैल से शुरू हो चुका है। लेकिन क्या कभी आप सभी ने ये सोचा है कि हमारे बिहार के तरक्की का शुभारंभ कब शुरू होगा? लोकसभा चुनाव के साथ ही हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारा बिहार बदलेगा, हमारा बिहार बदलेगा, और आज तक हम उसी इंतजार में बैठे हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि चुनावी भाषणों के द्वारा हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारा बिहार बदलेगा, हमारे बिहार की तरक्की होगी, हमारे बिहार का विकास होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं ना, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम जात पात के आधार पर बट जाते हैं, जाति के आधार पर वोट देते हैं। देखिए, हमें इन सबसे बाहर निकलना होगा और इन सबसे बाहर निकल के अपने बिहार के विकास के लिए वोट देना होगा। हम घर बैठकर ये सोचे कि बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है, बिहार की तरक्की नहीं हो पा रही है, ऐसा कब तक चलेगा? उसके लिए हम सबको बाहर निकलना होगा, मतदान केंद्र तक पहुंचना होगा और एक डिजर्विंग कैंडिडेट को वोट देना होगा। देखिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मैं उन सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मतदान केंद्र जरूर जाएं और जो भी लगता है उन्हें कि उनके वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनको अपना कीमती वोट जरूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।